दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये चार खतरनाक खिलाड़ी अचानक हो गए टीम से बाहर। इस चौकड़ी के बिना दूसरे टेस्ट मैच में अंग्रेजों को कैसे धूल चटा पाएगी रोहित सेना। इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी से शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारी मुसीबत में नजर आ रहे हैं। पहले से ही विराट कोहली और मोहम्मद शमी की कमी झेल रही टीम इंडिया को अब रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के बिना मैदान पर उतरना होगा। चार बड़े मैच विनर्स की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा के लिए प्लेइंग 11 का चयन आसान नहीं होने वाला। टीम इंडिया पहले ही शुरुआती मुकाबला गंवाकर 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी है। चोटिल होने की वजह से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दूसरे मैच में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होगी। मोहम्मद शमी भी चोटिल होने की वजह से शुरुआती 2 मैचों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थी। वहीं विराट कोहली निजी कारणों की वजह से सीरीज के पहले 2 मैच खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। दिग्गज खिलाड़ियों के स्थान पर दूसरे टेस्ट में 2 युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिल सकता है। टीम इंडिया को बैटिंग ऑर्डर में केएल राहुल की कमी सबसे ज्यादा खलने वाली है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर का जिम्मा बेहतरीन तरीके से संभाला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ने के बाद केएल राहुल ने शानदार फॉर्म जारी रखा और इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 86 रनों की शानदार पारी खेली। रविंद्र जडेजा तो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल करने में कामयाब रहे। भारत की ओर से जडेजा ने मैच में सबसे ज्यादा 87 रनों की पारी खेली। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी रविंद्र जडेजा ने विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया। जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की 2 पारियों में 5 विकेट हासिल की। वहीं विराट कोहली की गैर मौजूदगी टीम इंडिया को सबसे ज्यादा खलने वाली है। विराट कोहली मैदान पर रहते हुए दर्शकों में उत्साह भरे रखते हैं, जिसकी वजह से टीम को पिछड़ने पर सपोर्ट मिलता है। हैदराबाद में इस बात की कमी खली साफ तौर पर देखने को मिला। मोहम्मद शमी का नहीं खेलना भी टीम इंडिया को भारी पड़ा, क्योंकि उनके स्थान पर खेलने वाले सिराज 1 भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। आपको बता दें कि भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले मैच हार चुकी है, उसे हैदराबाद में 28 रनों से शिकस्त मिली। भारतीय टीम अब दूसरे टेस्ट में बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। अगर विशाखापट्टनम में भारत के टेस्ट रिकॉर्ड को देखें तो वो अच्छा रहा। यहाँ टीम इंडिया ने अभी तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं। हालांकि इंग्लैंड से उसे यहाँ भी कड़ी चुनौती मिल सकती है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।